अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी किस तरह से ये पैलेटेड जो सलवार है नेट फैब्रिक से मैंने ये तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो मेजरमेंट है ये एल से एक्सेल तक आप लोग इसके इजीली पहन सकते हो। तो इसके लिए जो मेजरमेंट है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फैब्रिक का मेजरमेंट है तकरीबन 2 मीटर मुझे लेना होगा चौड़ाई, और उसका जो लंबाई है मुझे लेना होगा 1.5 मीटर होगा लंबा। तो उसको मैं डबल फोल्ड करूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक एक करके फोल्ड कर रही हूँ, बट आप लोगों को 2 बार फोल्ड करना है। करने के बाद यहाँ से आप लोगों को जितना आता है आप लोग लो। यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 मीटर 1 मीटर करके दोनों तरफ मैंने ले लिया है। और यहाँ से मैं लूँगी जो क्रॉस एरिया है उसके लिए मैं ले रही हूँ तकरीबन 9 इंच इसका लंबाई। और यहाँ पे इसका जो कर्व लाइन होगा वो मैंने लिया है 2.5 इंच। अगर हेल्दी पर्सन होती है वह एक्सेल से ज़्यादा होते हैं डबल एक्सेल या फिर ट्रिपल एक्सेल तो आप लोग 3 से 4 इंच तक ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कितना लूज़ या फिर फिटिंग आप लोगों को पसंद होती है। तो ये मेरी है एक पैर मैंने तैयार किया है, इसका ही मैं और एक पैर जो है वो तैयार करूँगी। एक साथ मैं इसके नीचे इस तरह से रख के मैं इसको कट कर लूँगी। और यहाँ पे कोई भी वेस्ट मेजरमेंट ज़रूरत नहीं होती है। जो नेट फैब्रिक है ये नेट फैब्रिक का पार्ट है। दूसरी पार्ट है जो मेरी फॉल्स के लिए होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँ, वो उसमें मेजरमेंट लगेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं 1.5 इंच का मैं पैलेट्स दूंगी। इस तरह से मुझे बहुत सारे पैलेट्स देना होगा जितना फैब्रिक पे आता है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इससे ज़्यादा पैलेट्स देकर करना चाहते हो तो आप लोग फैब्रिक को ज़्यादा भी ले सकते हो, तकरीबन 3 मीटर्स करके भी ले सकते हो। सो अब मैं इस तरह से छोटे छोटे करके पैलेट्स दूंगी। देने के बाद ये है एक पैर का, तो दूसरे पैर को भी आप लोगों को इस तरह से बनाना होगा। तकरीबन 1.5 इंच का है पैलेट्स, ये थोड़ा बिग साइज का पैलेट्स होगा क्योंकि ये ऊपर से लेकर नीचे तक एक फ्लावर के जैसे होगा। और ये बहुत ही सुंदर लगती है जब लोग हम लोग बाहर जाते हैं, जब आप लोग वर्क करोगे तो आप लोग देखना कितना सुंदर लगता है। ये है 42 का एक चौड़ाई लिया है वेस्ट का, और इसका लंबाई मैंने लिया है तकरीबन 4 इंच का। ये है जहाँ पे मैं एलास्टिक को लगाऊंगी, क्योंकि ये जो प्लाजो सलवार है ये ऊपर से लेकर नीचे तक एक फैब्रिक पे मैंने कटिंग किया है, और ऊपर पे एक बॉर्डर में लगाऊंगी जो मेरी एलास्टिक के लिए होगा। यहाँ पे तकरीबन लंबाई मैंने लिया है 24 इंच। आप लोगों को अगर लगता है, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखो तो नीचे से जो जो जिगजग वाला पार्ट है नेट का वो थोड़ा एक साइड ज़्यादा और एक साइड थोड़ा कम होता है, तो वहाँ पे तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा है। सो इसलिए तकरीबन 25 इंच का हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2.5 इंच का एक कर्व लाइन दूंगी, और यहाँ पे मैं एक राउंड शेप दे दूँगी। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट को मैं कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 2 पीस हो गई है, मैं इसको सेपरेट कर लूँगी। और अब मैं कटिंग करूँगी जो मेरी मेन पार्ट है, यानी कि जो फॉल्स का फैब्रिक है। ये मुझे क्या करना होगा, ये मुझे थोड़ा कम लेना होगा। यानी कि अगर वो पहला वाला मैंने 24 इंच लिया था और ये मुझे लेना होगा तकरीबन 22 या फिर 23, उससे कम होगा। मैं 23 लूँगी क्योंकि फॉल्स के नीचे जब मैं स्टिच करूँगी 2 बार करके तो वहाँ पे तकरीबन 1 इंच चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको दोनों पैरों को एक साथ में काटूँगी। तो यहाँ पे मैंने फॉल्स को अच्छी तरह से इसको 4 लेयर पे मैंने फोल्ड कर लिया है, 2 बार मैंने फोल्ड किया है। और वेस्ट के लिए एग्जाम्पल, अगर आप लोगों का वेस्ट है 20 इंच तो यहाँ पे आप लोगों को लेना होगा तकरीबन 24 इंच, यानी कि जो आप लोगों का मेजरमेंट है उससे आप लोगों को 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो इससे क्या होगा, जो नीचे का जो पार्ट है और ऊपर का जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावर के जैसे होंगे और दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही कंफर्टेबल होती है।
तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस पार्ट को भी मैं कट कर ली हूँ, और ये जो वाला फैब्रिक है ये मुझे तकरीबन 1.5 मीटर्स मुझे लगा लंब चौड़ाई में, और लंबाई में है 1.5 इंच, यानी कि ये स्क्वायर शेप में होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये सेंटर वाला पार्ट को मैं इस तरह इसके ऊपर रखूँगी, सबसे राइट वाला जो पार्ट है वाइट कलर का वो मैंने ऊपर रख के, जो नेट फैब्रिक है उसका राइट मैं ऊपर रख के इस तरह से मैं इसको रखूँगी। रखने के बाद एक पिन से इसको सिक्योर करने के लिए इसे ब्लॉक करूँगी। इससे होगा क्या, जब मैं पैलेट्स को बनाऊँगी तो मुझे थोड़ा आइडिया होगा जो कितना फैब्रिक्स मैं दाई तरफ दे रही हूँ और कितना फैब्रिक्स मैं बाई तरफ दे रही हूँ। सो यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 इंच का पैलेट दूँगी, और यहाँ पे ये जो क्रॉच वाला पार्ट है ये दोनों पार्टों को मुझे एक साथ स्टिच करना होगा। तो इससे होगा क्या, एक अच्छी से आप लोग बैलेंस कर पाओगे, बहुत ही आसानी से इसको फिनिशिंग लुक भी दे सकते हो। सो यहाँ पे मैंने तकरीबन 20 से 25 पैलेट्स आएंगे टोटल, फ्रंट और बैक पे टोटल आएगा, क्योंकि ये पहला वाला पार्ट है। तो अब मैं इसको तकरीबन 1.5 इंच का डिस्टेंस में फैब्रिक का लेकर यहाँ पे छोटे छोटे करके पैलेट्स दे रही हूँ। इस तरह से करके जब ये हो जाएगा, यहाँ पर भी मैं सेम वैसा ही करूँगी जो मैंने वहाँ किया था। करने के बाद यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। नॉर्मल स्टिच सबसे पहले करूँगी, जब ये स्टिचिंग हो जाएगा उसके बाद आप लोग यहाँ पे जिगजैग स्टिच दे के इसको सिक्योर करना होगा। और ये क्रॉच वाला पार्ट को भी मैं स्टिच कर लूँ। तो इससे होगा क्या, जब आप लोग दोनों पीसेस को एक साथ स्टिच करोगे तो बहुत ही आसानी होती है इसको स्टिचिंग करना। सो अब मैं यहाँ पे इसको दो बार फोल्ड करूँ। ये जो फॉल्स है उसका नीचे का पार्ट है, तो नीचे को पार्ट को मैं दो बार फोल्ड करके यहाँ पे मैं स्टिच कर लूँगी, और यहाँ पे मैं नॉर्मल स्टिच दे रही हूँ। इसी तरह से मुझे दोनों पैरों का जो पीसेस है उसको मुझे स्टिच करना होगा। तो यहाँ पे मेरी ये पार्ट हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो पार्ट है, जो फ्रंट और बैक पार्ट का जो क्रॉस एरिया है उसको मैं फेस टू फेस रखूँगी। ये मेरी फ्रंट एक है और ये है दूसरा पार्ट, तो दोनों को एक साथ इस तरह से रख के ये क्रॉस वाला जो पार्ट है इसको मैं स्टिच करूँगी। अगर आप लोगों के पास जिगजैग स्टिच नहीं है तो आप लोग यहाँ पे ये जो हाफ इंच का मैंने स्पेस छोड़ दिया है उस फैब्रिक को आप लोग फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पे स्टिच कर सकते हो। इससे होगा क्या, आप लोगों को जिगजैग स्टिच भी नहीं देना होगा या फिर पिको करना भी नहीं ज़रूरत होगी, वो अच्छी तरह से बैठ जाएगा स्टिचिंग। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये है जो मेरा दूसरा क्रॉच पार्ट है वो, तो जब ये स्टिच हो जाएगा दिखने में ऐसा होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से खोल के दोनों पैरों को मैं स्टिच कर लूँगी, यानी कि जो ये एक पैर से लेकर दूसरे पैर तक मुझे स्टिचिंग करना होगा। तो अब मैं दोनों पैरों को एक साथ स्टिच करूँगी, दोनों को अलग अलग मुझे स्टिच करना होगा। इसको मुझे एक साथ स्टिच करना होगा और जो दूसरा फॉल्स का फैब्रिक है उसको मुझे अलग सा स्टिच करना होगा। ये बेल का पार्ट है जो मेरी इलास्टिक के लिए ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे मैं तकरीबन 4 इंच का मैंने लिया है चौड़ाई, जो रबर का चौड़ाई है तकरीबन 1 इंच का, और फैब्रिक मैं ले रही हूँ यहाँ पे तकरीबन 4 इंच का है चौड़ाई, और लंबाई जो वेस्ट का मेजरमेंट आता है आप लोगों का वो आप लोग लीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 9 इंच, तो यहाँ पे मैं 9 इंच को मैं एक साथ मेजरमेंट करके देखूँगी कि ये थोड़ा कम है या फिर ज़्यादा। तकरीबन यहाँ पे 4 इंच ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं इसको एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी और उसके बाद इसको स्टिच करके जॉइंट कर लूँगी, और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके मैं डायरेक्ट इसकी जो सलवार है सलवार पर अटैच कर लूँगी। और जिस तरह से हम लोग इलास्टिक लगाते हैं ठीक वैसे ही, फिर भी आप लोगों को मैं आप लोगों की आसानी के लिए मैं दिखा देती हूँ किस तरह से आप लोगों को लगाना होगा।
सो यहाँ पे ये जो जोड़ा पार्ट है, जॉइंट पार्ट है, वो मैंने लगा लिया है। अब इसको मैं फोल्ड करके सबसे पहले सेंटर वाला पार्ट से मैं स्टिच मैंने पिन से इसको ब्लॉक करूँगी, और जो जॉइंट वाला पार्ट होगा एलास्टिक का, वो आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगी फ्रंट पे दो, बैक पर मत दो, फ्रंट पे दो, क्योंकि बैक पे अगर देते हो तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। अगर फ्रंट पे देते हो वो कवर हो जाता है ड्रेस से, सो आप लोग फ्रंट पे दो। तो यहाँ पे मैं पिन से इसको सिक्योर कर रही हूँ। इससे होगा क्या, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो जॉर्जेट फैब्रिक्स है उसको बैलेंस करना बहुत ही टफ होती है, और यहाँ पे जॉर्जेट और मैंने नेट फैब्रिक दोनों एक साथ लिया है, सो आप लोग समझ सकते हो कितना टफ है। सो इसलिए आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगी पिन से जो एकदम जो स्लिम जैसा जो प्ली ये है पिन है वो आप लोग लो। इस टाइप के फैब्रिक्स के लिए तक वही पिन्स अच्छा है, वो बिग वाला मत लो, स्मॉल साइज का जो होती है और बहुत ही छोटी होती है वो आप लोग लो। तो ये है दोनों पैर का जो पार्ट है जो मैंने पहले बता दिया था, तो उसको मैं यहाँ पे स्टिच करूँगी। तो ये स्टिच जब हो जाएगा तो यहाँ पे मेरी ये सलवार तैयार है। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को। और जो लोग मेरी चैनल पे नए हों उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, और पास में थका जो बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर क्लिक करना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी रिक्वेस्ट होती है तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट रखने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे जो मैं इलास्टिक बता रही थी, तो यहाँ पे ये इलास्टिक मैंने लगा लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को इसको स्टिच करके ब्लॉक करना होगा, और जो इलास्टिक है ये आप लोगों कोई भी इलास्टिक ले सकते हो। मेजरमेंट के लिए अगर आप लोग का 30 है तो आप लोगों को 23 इंच लेना होगा। सो थैंक यू सो मच, आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम, बाय।